सो है गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल के फिर से एक नए ब्लॉग में। सो गाइज, आज की जो दिन की शुरुआत हुई मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी हुई, क्योंकि मैं सुबह सुबह मंदिर से होके आया हूँ और आप लोगों को पता भी चल रहा होगा मेरे माथे पे तिलक लगा हुआ है और वो जो मंदिर था वो दुर्गा माता का था। सो गाइज, मैं मंदिर से आते ही सीधा घर के छत पे आ गया, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे वीडियो भी शूट करना था और इस चैनल पे पिछले 3-4 दिनों से जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ। पर कोई नहीं दोस्तों, मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है, तो चलिए मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ बताता हूँ। नहीं बताता नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सीधा गुड न्यूज़ दिखाता ही हूँ। भाई साहब, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गुड न्यूज़ क्या है और बैड न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे बाइक का जो है एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि कुछ पार्ट जो है डैमेज हुए थे और कुछ पार्ट जो है वो टूट गए थे। उनमें से दोस्तों एक ये भी था जो कि था फुटरेस्ट। दोस्तों ये जो है हल्का सा यहाँ पर टूट गया था एंड हल्का सा के वजह से जो है मुझे इस पूरे पार्ट को चेंज करवाना पड़ गया। तो कोई नहीं, मैंने फाइनली जो है इस पार्ट को जो है चेंज करवा लिया एंड हमारा बाइक जो है ऑलमोस्ट रिपेयर हो चुका है। और बैड न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों, बैड न्यूज़ ये है कि हमारी बाइक जो है अभी पूरी तरीके से जो है रिपेयर नहीं हुई है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस बाइक का फ्रंट का जो ब्रेक है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि इस बाइक के फ्रंट ब्रेक में जो है यहाँ पर एक बकेट लगता है एंड वही बकेट जो है हमारी बाइक का डैमेज हो चुका है। तो मुझे जो है इस बाइक में न्यू बकेट डालना पड़ेगा एंड वो पार्ट जो है हमें हमारे इलाके में नहीं मिल रही है। तो शोरूम में मैंने दे दिया है ऑर्डर, 2 से 3 दिन में आ जाएगी। और जैसे ही हमारे शोरूम में आएगी दोस्तों, मैं अपनी इस बाइक को रिपेयर करवाऊंगा एंड रिपेयर करवाने के बाद फिर आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और मोटो ब्लॉग्स देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग ने अगर हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल रोहित ऑन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि दोस्तों ये हमारा न्यू चैनल है। तो आप लोग इस छोटे से भाई को भी थोड़ा सा प्यार दें, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं। सो गाइज, अब मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं अपने वीडियो को शूट करते टाइम किस किस प्रोडक्ट का यूज करता हूँ और मेरे पास कौन कौन सा गैजेट है। तो मैंने अपने सभी गैजेट का कुछ सिनेमैटिक लिया है, तो आप लोग थोड़ा जाके चेक करके आइए कि हमारा सिनेमैटिक कैसा है। सो गाइज, आप लोगों ने सिनेमैटिक तो देख ही लिया होगा, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे, जो कि है प्रोडक्ट्स का। सो गाइज, मेरे वीडियो में जो मेन किरदार मेरा ये फ़ोन निभाता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास कोई भी DSLR या फिर कोई भी कैमरा वगैरह नहीं है। मैं जितने भी वीडियोज़ को शूट करता हूँ मैं इसी फ़ोन से शूट करता हूँ, जो कि OnePlus का नॉड है। एंड इसके बाद ऑडियो की बात करें तो ऑडियो मैं यहाँ पर इस माइक से यूज करता हूँ, जो कि है बोया Bi-1 का माइक। एंड अभी जो आप लोग साउंड सुन रहे हैं वो भी इसी माइक का है, जो कि बोया Bi-1 का आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइज, आप लोगों ने देख लिया कि मैं वीडियो कैसे शूट करता हूँ, साथ ही ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। अब बात आती है यहाँ पर एडिटिंग की, तो एडिटिंग मैं यहाँ पर इस ASUS के ROG लैपटॉप से करता हूँ। एंड इस लैपटॉप को मैंने दुर्गा पूजा के बिग बिलियन डेज में लिया था एंड इस लैपटॉप में मैंने अभी फिल्मोरा, लाइटरूम, प्रीमियम प्रो वगैरह चढ़ाया हुआ है, पर मुझे अभी यूज करना नहीं आता है, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। एंड अभी जो है मैं एडिटिंग जो है काइन मास्टर से करता हूँ एंड जैसे ही मैं इससे पूरी तरीके से एडिटिंग सीख जाऊँगा तो मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा क्वालिटी का वीडियो यहाँ पर देने का कोशिश करूँगा। सो गाइज, अगले प्रोडक्ट की बात करें तो वो है दोस्तों ये मिनी ट्राइपॉड, जिसको मैं ब्लॉगिंग के लिए यूज करता हूँ। इसे मैंने लगभग 300 से 400 रुपए के बीच में खरीदा था। अगली प्रोडक्ट की बात करें तो वो है दोस्तों ये बड़ा वाला ट्राइपॉड एंड इस ट्राइपॉड को मैं अपने मेन चैनल के वीडियो शूट के दौरान यूज करता हूँ। सो गाइज, सबसे प्यारी चीज की बात करें तो मेरा जो है ये हेलमेट है एंड इसको मैं अपने मोटो ब्लॉगिंग के दौरान शूट करता हूँ। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर फोन होल्डर वगैरह को भी लगाया हूँ। तो आप लोगों को भी अगर मोटो ब्लॉगिंग करता है तो मैंने इसमें एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया होगा। सो गाइज, मैंने आप लोगों को सभी प्रोडक्ट के बारे में बता दिया जो कि मैं अपने वीडियो बनाने के दौरान यूज करता हूँ। एंड इन सभी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट मुझे प्राइस तो याद नहीं आ रहा है, पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक दे रहा हूँ एंड आप लोग चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।